नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति द्वारा अग्रसेन महोत्सव 2022 एवं आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर राजेंद्र स्वरूप सभागार सिविल लाइन्स में देश एक रंग अनेक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने ड्रॉइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसमें भाग लिया। बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण एवं सपनों का भारत विषय पर अपनी कलाकृतियों के माध्यम से देश की नवीन विचारधारा सहभागिता की। इसी तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से, और क्या बोले महामंत्री उनको भी सुने। जो आज यहाँ पे कार्यक्रम चल, मैं मनीष दर्पण, महामंत्री श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति। आज श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समिति आज़ादी के 75वें महोत्सव एवं अग्रसेन जयंती पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मना रही है। आज हमने यहाँ देश एक रंग अनेक कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विविध रंगों को उठाते हुए अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, हमारे सपनों का भारत एवं महिलाओं के द्वारा कुकिंग की प्रतियोगिता, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें हमारे देश की वीरांगनाओं एवं देशभक्तों के शहीदों की याद में जो गीत हैं उनके द्वारा वह अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। हमारे समाज की महिलाओं के द्वारा एक रैंप वॉक भी किया जा रहा है, जिसमें हम अपने हिंदुस्तान की संस्कृति की तमाम प्रांत अनेक प्रांतीय परिधानों को अपने साथ में जोड़ते हुए ये प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं।